सिक्स बाई नाइन विजन को 6x6 कितने दिनों में हम कर सकते हैं, आज हम इस बारे में बात करेंगे। 6x6 विजन को स्टेबल रखने के लिए या फिर हम 6x9 विजन को या उससे ज़्यादा अगर थोड़ा विजन है उसको 6x6 की तरफ लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस बारे में पिछली वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था आई एक्सरसाइजेस के बारे में, और जिसमें अलग अलग डायरेक्शन में आँख के मूवमेंट्स होते हैं और जिनसे हमारी आँखों में जब प्रॉपर मूवमेंट होता है तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है और बहुत सारे लोगों को इसका फायदा मिलता है कि उनका वजन ठीक हो जाता है। तो इसके लिए अगर कोई ये पूछता है कि इसकी क्या समय सीमा है, कितने दिनों में ठीक हो जाएगा, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितने अच्छे से उसको कर रहे हैं, कितने बार उसको कर रहे हैं, और जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जैसे बताई है उसी तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी एक्सरसाइज का प्रोसीजर आपको बताया गया है पिछले वीडियोस में, उसको जब आप देखकर करेंगे या किसी और के आप बताए हुए को फॉलो करते हैं, तो ये याद रखिए कि आपको प्रॉपर उसको अच्छे से रीड करना है कि किस तरीके से वहाँ पर बताया गया है। मोस्टली लोग डायरेक्शन तो समझ लेते हैं लेकिन उसकी बारीकी को नहीं समझते, और इससे फिर एक्सरसाइज आप करेंगे आपको 100% रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आप किसी का भी वीडियो देखते हैं, चाहे मेरे या किसी और के, तो उसको अच्छे से ध्यान से उसको देखिए कि किस डायरेक्शन में और किस तरीके से बता रहे हैं कि हमें आंखों के मूवमेंट को परफेक्टली करना है। मैंने इस चैनल पे भी अपना जो आई एक्सरसाइज का एक वीडियो बनाया था, उसको देखने के लिए आपको इस चैनल के वीडियो लिस्ट में जाना है, यानी जहाँ पर मैं एप्रिन में हूँ आपको पहले उसे क्लिक करना है उस आइकन को, और उसके बाद आपको वीडियो लिस्ट में जाना है जहाँ ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, और वहाँ से आप नीचे जब स्क्रॉल डाउन करेंगे उसको तो आपको वीडियो मिल जाएगा आई एक्सरसाइज का, तो वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। समय सीमा की बात ये होती है कि जहाँ हम 15 से 1 महीने का अगर समय इस पर देते हैं तो डेफिनेटली इसमें इम्प्रूवमेंट आते हैं, और आप ही लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मुझे खुद कमेंट करके बताया है कि अब आपका विजन 6x6 हो गया है। तो इसलिए अगर आप आई एक्सरसाइज करते हैं, साथ ही साथ उसके अगर आप योगा भी करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, तो ये दोनों चीज़ें आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स और रिजल्ट्स देंगी। इसके अलावा जो हमने डाइट बताई थी आपको कि आपके खाने में विटामिन ए का कंटेंट अच्छा होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ आप समझदार हैं, आप जानते होंगे कि विटामिन ए की चीज़ें हमें ज़रूर खानी चाहिए, और पीली चीज़ों में विटामिन ए अच्छी मात्रा में होता है, तो हमें ऑलमोस्ट जितनी भी पीली चीज़ें हैं, चाहे वो पल्सेस हों या फ्रूट्स हों, उनको ज़रूर खाना चाहिए, और अगर हम फ्रूट खरीद रहे हैं तो उस पर फोकस जरूर करना चाहिए। तो इन 2-3 चीज़ों को, यानी आई एक्सरसाइज, योगा और प्लस विटामिन ए की डाइट अगर हम प्रॉपर लेते हैं, तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हम बहुत जल्दी अपने आँख के विजन को 6x6 कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि जिनका ज़्यादा नंबर है, 6x9 से ऊपर का नंबर है, तो मैं यहाँ पर एकदम से आपको भ्रमित भी नहीं करूँगा कि वो नंबर भी एकदम 6x6 हो जाएगा। उन नंबर्स को नॉर्मल करने में टाइम लगता है और कभी कभी वो नॉर्मल नहीं भी हो पाते हैं, क्योंकि मायोपिया की एक प्रॉब्लम ऐसी होती है कि जिसमें जब आँख की बॉल का साइज़ ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो फिर उसको नॉर्मल करना या ठीक करना, या फिर उस जगह पर वो रेटिना पर जहाँ पर इमेज बन रही है अंदर, वहाँ पर उसको ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जहाँ पर साइज़ बढ़ जाता है तो फिर आँख का, तो फिर तो उसमें चश्मा ही सबसे अच्छा ऑप्शन फिर आपके लिए रह जाता है, या फिर दूसरे प्रोसीजर हैं जिनके बारे में हमने और दूसरे वीडियोस में बात की है, जिसमें लेसिक सर्जरी और दूसरी सर्जरीज हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट बात करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो उस कंसर्न में बात कर रहे हैं जहाँ पर आपका विजन 6x9 है, यानी आपका विजन 0.25 के आसपास है, या फिर 0.50 के आसपास है, या 0.75 के आसपास है, तो आधा, पौना या फिर चौथाई नंबर जिसको हम कहते हैं, अगर इन रेंज में आपका नंबर फ्लोट कर रहा है तो फिर आप इन एक्सरसाइज को करके अपनी आंखों के नंबर को जल्दी ही नॉर्मल कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा नंबरों में टाइम लगता है, और मैं एकदम से तो नहीं कहूँगा कि वो मतलब ठीक हो जाते हैं, उनमें दिक्कत रहती है, प्रॉब्लम रहती है, लेकिन हाँ इनिशियल स्टेज पर ये ठीक हो सकते हैं। इनमें एक्सरसाइज साथ ही साथ आपका योगा और आपकी डाइट, तीनों का बहुत अच्छा रोल है, तो इन तीनों को आप फॉलो करिए और डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। समय सीमा फिर वही कि 1 महीना भी लग सकता है आपको, और 15 दिन से 1 महीने का टाइम एक मान के चलिए, या 1 महीने से ज़्यादा भी लग सकता है, तो इसको आप फॉलो करिए और अपने अनुभव मुझसे शेयर भी करिए। तो अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।